अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैंने कहा चलो मैं आपको आज अपना गार्डन दिखाती हूँ। आपको पता ही है मैं काफ़ी दिन के बाद आई थी। ये देखिए मेरे इधर कितने प्लांट पे लेमन लगे हुए हैं और नीचे से गार्डन भी काफ़ी गंदा होया हुआ है। ये देखें कितने लेमन गिरे हुए हैं। घर में ना हो तो बस फिर इसी तरह से ही है। ये देखें जी, ये मैंने बहुत छोटे छोटे बैंगन के प्लांट लगाए थे, अब इसके ऊपर थोड़े फूल आए हैं नज़र मुझे, और काफ़ी घास वगैरह ख़राब हो गया है। और ये मैंने ऑरेंज का प्लांट लगाया था, इस पर ऑरेंज भी एक निकला हुआ है। और ये ऑलिव्स का प्लांट है, ये भी छोटे छोटे से प्लांट हैं, ये फूलों के हैं। लॉन काफ़ी गंदा होया हुआ है तो मैंने कहा ज़रा मैं, ये देखिए जी, ये ट्री मेरा बहुत छोटा सा था और अब माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया हुआ है, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं बनाऊँगी मटन के पाए और वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज बस घर की सफाइयाँ अच्छी तरह हो रही हैं क्योंकि घर काफ़ी दिनों के बाद आई थी, तो ना हो तो फिर वही बात है, मेड वगैरह उस तरह नहीं करती। ये मोतिये के फूल हैं और माशाल्लाह इतने भरे होते हैं, इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है, बहुत ही अच्छी। आपको मैं थोड़ा सा और दिखाती हूँ। ये मेरी साइड पे है गली और ये हमारे लगे हुए हैं करेले का प्लांट। इस पे आपको नज़र आ रहा होगा ये छोटा सा करेला भी लगा हुआ है। पहले वाले जो मेरे करेले थे वो सारे सूख गए थे। ये देखें ये छोटा सा करेला, अब ये प्लांट दोबारा निकल आएंगे। और यहाँ पे ये प्लांट जो हैं ये गमले पेंट होने वाले हैं, ना हो घर में तो फिर ये हाल होता है प्लांट्स का।